मनी शंकर अय्यर को ये कोई अधिकार नहीं है कि वो इस देश के लोग जिनको जिसमें आस्था रखते हैं, भगवान श्री राम कहते हैं, उसके बारे में वो कह दें कि वो कौन से कमरे में पैदा हुए हैं। ये कांग्रेस बताएगी कि कहाँ पैदा हुए। कांग्रेस पार्टी क्या संदेश देना चाहती है? इस तरह से कहकर श्री राम का अपमान करके कांग्रेस अपने लिए और पूरे देश के लिए वो माहौल बनाना चाहती है कि जैसे पहले भी सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस की सरकार ने लिख कर दिया था कि इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, और आज इस तरह का जो बयान दिया है, इस बयान के लिए कांग्रेस को बहुत ही गम और गुस्सा झेलना पड़ेगा।